लेकिन आप लोग बैठे रहा करिए, बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ, आपकी जगह पर आ जाएंगे। क्या दिक्कत क्या है? बात रखेंगे, बहुत सारे चैनल वाले आएंगे, जिसको लगता है हम अपनी बात अच्छी तरीके से रख सकते हैं, बाहर आके आराम से रख सकते हैं। भाई सब लोग इधर आ जाओ यार, सब बैठ भैया, आ जाओ उधर, आ जाओ प्लीज, आ जाओ उधर, आ जाओ यार, बैठ, अरे आ जाओ उधर, बैठ जाओ यार, हो गया यार, एक जगह सबसे कहते हो यार, इधर न्याय में इतनी देरी क्यों, भाई यार न्याय में इतनी देरी क्यों, आखिर ये मजबूरी क्यों, न्याय में इतनी देरी क्यों, आखिर ये मजबूरी क्यों, न्याय में इतनी देरी क्यों, विरोधी सरकार पर भारी है, ऐसी ये लाचारी है, विरोधी सरकार पर भारी है, कैसी ये लाचारी है, आखिर ये लाचारी है, अभ्यर्थियों की यही पुकार, तेजी को भेजे सरकार, अभ्यर्थियों की यही पुकार, तेजी को भेजे सरकार, 70,000 शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो, 70,000 शिक्षक भर्ती पूरी करो, पूरी करो, 60-65 जिंदाबाद, 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 97 जिंदाबाद, जिंदाबाद, योग्यता जिंदाबाद, 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 योगी सरकार जिंदाबाद, 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 हमारी मेहनत जिंदाबाद, 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 अभ्यर्थियों की यही पुकार, तेजी को भेजे सरकार, अभ्यर्थियों की यही पुकार, तेजी को भेजे सरकार, अभ्यर्थियों की यही पुकार, तेजी को भेजे सरकार, धरना नहीं निवेदन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, धरना नहीं निवेदन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, धरना नहीं निवेदन है, शांतिपूर्ण प्रदर्शन है, 97 जिंदाबाद, 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 97 जिंदाबाद, 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 60-65 जिंदाबाद, 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 योग्यता जिंदाबाद, 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 हमारी मेहनत जिंदाबाद, 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 तेजी को भेजे सरकार, तेजी को भेजे सरकार, पूरी हो, पूरी हो, बंद हो, बंद हो, बंदी हो, बंद हो, आखिर क्या लाचारी है, भेजे दे रहे हैं, आखिर क्या लाचारी है, आखिर टू पर न्याय में इतनी देरी क्यों, फॉलो करते हैं, अभी भी फॉलो करते हैं, न्याय में इतनी देरी क्यों, जय मातरम 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 मातरम
मातरम मातरम मातरम मातरम मातरम सब लोग बोलो एक बार सब लोग उम्मीद करते हैं हम कि सब लोग एक अतिरिक्त ऊर्जा के साथ में आए हैं और वो अपनी ऊर्जा का प्रयोग यहाँ पे मुंह से निकाल के करेंगे तो यार शांत मत बैठिए इधर वाले बोलते हैं उधर वाले शांत हो जाते हैं इधर उधर वाले बोलते हैं लोग इस साइड क्योंकि ये धरना हम लोगों द्वारा जबरदस्ती नहीं किया जा रहा क्योंकि प्रदर्शन काफी लोग का कहना था कि ऐसा करने से हमारे पक्ष में बहुत जल्द से जल्द कहीं ना कहीं दिक्कत इनका कोई रोल नहीं रहा रोल तो नहीं रहा ऐसा बोलो पूरी करो। अरे अब थोड़ा सा ध्यान इस तरह दीजिए जहाँ तक क्योंकि इधर भी भीड़ है तो आवाज जहाँ जहाँ तक पहुँच जाए कोशिश करूँगा कि पहुँच जाए। यहाँ पर जो शांतिपूर्ण निवेदन के लिए हम आए हैं सारी बातें पता हैं, बातों को बार बार दोहराना नहीं है, बस एक बार एक जरूरी चीज़ जो है वो ये है कि सरकार अपने आप कट ऑफ या जो न्यूनतम उत्तीर्णांक है उसको लगाए। अब उसको लगाने के लिए विरोध में लोग वोट गए और उनका जाना लाजमी था कि वो जाएंगे। उन लोगों ने ETC जिन्होंने किया है और BED जिन्होंने किया है, शिक्षा मित्र भी हैं, अलग अलग सब हैं, हम लोगों की जो BTC की नियमावली होती है उस नियमावली में एक बहुत छोटी सी चीज़ लिखी हुई है कि हमारे कॉलेज का या हमारी डाइट का एक ड्रेस कोड होगा। हम लोग ड्रेस पहन के जाते हैं, नहीं जाते हैं, सब लोग जाते हैं, लेकिन कहीं पर वो लाल रंग की भी शर्ट है, कहीं पर काली पैंट है, कहीं पर हरी पैंट भी चला सकता है कोई। यह नहीं लिखा है कि ड्रेस कोड किस रंग का होगा, कहीं नहीं लिखे थे। ऐसे ही जो भर्ती की नियमावली है उसमें साफ साफ लिखा है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्णांक होगा वो सुबह लगेगा, शाम को लगेगा, दिन में लगेगा। पहले लगेगा, बाद में लगेगा, इन सब के बारे में नियमावली पूरी तरह से मौन है। एक बात है, ये देश ऐसे नहीं चलता कि उठाया रिट झोंक दिया जो विरोधी करते हैं। सबसे पहले संविधान आता है, संविधान जहाँ पर खत्म होता है वहाँ पर कानून बनाए गए, कानून जहाँ पर खत्म हुए वहाँ नियम बनाए गए, जहाँ नियम खत्म हुए वहाँ नियमावलियाँ आई और जहाँ नियमावली खत्म हुई वहाँ पर अधिकारियों का विवेक आया अंत में। अच्छा, और ये जो लगाना कट ऑफ था या न्यूनतम उत्तीर्णांक यह पूरी तरह से अधिकारियों का विवेक था। अब अधिकारियों के उसी विवेक को सही साबित करने के लिए महाधिवक्ता महोदय को आबद्ध किया गया। अब उसके बारे में एक बड़ी टेक्निकल बात है जो हम सबको समझनी चाहिए। महाधिवक्ता महोदय जो होते हैं वो रिपोर्टिंग बॉडी हैं राज्यपाल के लिए। हमारे मुख्यमंत्री महोदय के लिए रिपोर्ट करने के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमारे देश की व्यवस्था है कि न्यायपालिका कार्यपालिका अलग अलग काम करेंगे। अब आबद्ध तो कर दिया, अब वो कहते भी होंगे, अधिकारी कह कह के परेशान भी होंगे, पर महाधिवक्ता जी ने ठान लिया कि हम भैया अभी नहीं जाएंगे, जब मन होगा तब जाएंगे। वहाँ हम लोग क्या सुनते हैं, सुबह केस लगा, आज इतनी तारीख पे केस है, सब लोग अपने व्हाट्सएप पर फेसबुक पर अपडेट लेते हैं,
पता चला 2 बजे लगा केस, एजी साहब आए नहीं 2:10 पे, पता चला 15 दिन बाद की डेट लग गई। और ये सबसे बड़ी बात है, ये खिलवाड़ एक प्रतिबद्धता होती है। कुछ सोचिए, हम लोग सपने अपने आप नहीं देखते थे। भर्ती के लिए 6 जनवरी को पेपर दिया था, उसके बाद एबीपी न्यूज पे लाइव आते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वयं कहा था कि 15 फरवरी तक भर्ती पत्र वितरित करेंगे। सात आठ महीने होने जा रहे हैं और कोई परिणाम नहीं है। मुख्यमंत्री महोदय की बात का कोई महत्व तो नहीं है क्या इस प्रदेश में? ऐसा तो शायद ही मुझे नहीं लगता। जब वो तमाम अब वो लोग बताते हैं, हालांकि ऐसा होगा नहीं हमारे केस में, केस उतना बड़ा है नहीं। अब 370-35 से भी वो कश्मीर के लोग घसीटे पड़े थे कोर्ट में। एक छोटा सा आदेश आया, उन्होंने कहा ऐसा है साहब, दो अलग अलग ड्यूटी बन गए, सबके हालत खराब। अब हमारे लिए ऐसा कोई विशेष आदेश तो बड़ी मुसीबत में आएगा। अगर सरकार फंसी कुछ तो विशेष कोई प्रावधान नहीं होगा, तो इसलिए लड़ना तो पड़ेगा। लड़ना इसलिए नहीं पड़ेगा कि भर्ती नहीं हो रही है, लड़ना इसलिए पड़ेगा कि जो भर्ती करने वाले हैं वो कुछ देर के लिए एसी की हवा खाने लगे, और वो एसी की हवा खाने से जब ये बेरोजगारी, कितने सारे लोग हमारे साथी योग्यता क्या नहीं है वो लोग बताते हैं, जो लोग विरोध में है कहते हैं अच्छा ये बताओ 96 नंबर पर अयोग्य हो गया, 97 पे योग्य हो गया, ये कहाँ की थ्योरी है? हम कहते बहुत अच्छी बात है भैया, 96 वाला भी योग्य है, तुम भी लड़ो आकर दम हो तो। तुम लड़ते क्या हो? तुम न्यूज चलवाते हो फर्जी की, तुम चलवाते हो एजी साहब आएंगे। अरे बात बताइए, दुनिया का ऐसा कौन सा न्यूज चलेगा कि एजी साहब सुनिश्चित, एजी साहब सुनिश्चित। ये कई लोग हैं जो 2000 के नोट में चुप भी बता रहे थे। देखा होगा आपने कि कुछ विशेष वर्कर ने बताया था कि 2000 का नोट अगर 100 मीटर जमीन के अंदर बदल जाएगा पकड़ लेगा। तो ये उनका ही सैटेलाइट काम कर रहा है, जो कभी कह देता है एजी साहब आएंगे, कभी कह देता है वहाँ लाठियां चल जाएंगी। कल एक खबर हम देख रहे थे, यहाँ ना धरना हुआ ना कुछ हुआ, एक खबर वायरल, वो एक दो लोगों के हाथ टूट गए हैं। हमने कहा हम देख के तो आए, काफी लाठियां चले थे लोगों, काफी लाठियां चले। भैया शांति को निवेदन है, मुख्यमंत्री जी से मिलवा दीजिए, उससे ज्यादा हमें कुछ नहीं है, अपनी बात रख दे। 15 पूरा इतना बड़ा प्रदेश है, 775 जिले है, 18 मंडल बना करके पूरा प्रशासन कानून लॉ एंड ऑर्डर सब कुछ मुख्यमंत्री महोदय को देखना है। हो सकता है छोटी सी भर्ती भूल गए हो, इतनी संख्या है 69,000 ही तो है। सोचिए 130 करोड़ की आबादी में 69,000 कितनी संख्या होती है, 4,10,000 लोग ही तो हैं। अब भाई वो बात जो आती है कि 96 नंबर वालों को सेक्रेट गेम्स क्यों देखा है, देखिए जब सतयुग आएगा तो कुछ लोगों को बलिदान तो देना होगा, है ना? तो 4,10,000 में से 69,000 ही सतयुग में जाएंगे, बाकी लोगों को क्या देना होगा? तो उन लोगों को अगली भर्ती की तैयारी करनी पड़ेगी, मजबूरी है। अब हमारे हमारे साथ जो लोग हैं, हमारे बड़े भाई हैं, अब ये जो हमारे साथ प्रशासन खड़ा है, पुलिस प्रशासन, ये लोग भी तो भर्ती परीक्षा निकाल कर यहाँ पहुँचे, वहाँ भी तो अभ्यर्थी रहे होंगे। इसी मामले में अगर 200 नंबर का पेपर हो रहा है, 116 कट ऑफ गई है, एक जनरल से बात कर रहे हैं, तो 115 वाला अगली भर्ती की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? सरकार को एक चीज सोचनी चाहिए कि 115 वाले कोर्ट जाके भर्ती फंसा रहे हैं, तो हमें 117 या 116 से ऊपर जितने हैं उनका साथ देना चाहिए और मजबूती से साथ देना चाहिए। नाटक नहीं करना चाहिए कोर्ट में कि हम आपके साथ में खड़े हैं। साथ में खड़े होने का मतलब नहीं कि जिंदगी भर साथ में कोर्ट में ही मामला चलता रहे। भाजपा जी को
भेजिए, जल्दी से जल्दी मामला निस्तारित करवाइए और जो कटाव आपने लगाई है उसके पक्ष में निस्तारित करवाइए। वही बात है, निगेटिव मार्किंग भी नहीं थी कि भैया जो तुम निगेटिव में घट गए, नंबर तो तुम 97 ला रहे थे पर केवल तुम्हारा एक गलत हो गया, इसलिए 96 रह गए। अब ये दौड़ भी नहीं थी जो 25 मिनट में पूरी करनी थी, तुम 25 मिनट 4 सेकंड में पहुंचे हो, तो चिल्लाओ कि बीच में पैर तिरछा गया था तो रोड ऊपर जहाँ पे ट्रैक खराब था, तो बहाने नहीं। तो ये चीजें महत्वपूर्ण चीजें रही है, संख्या और आएगी, बस शांति एक महत्वपूर्ण चीज है। बस पिछली बार SCRT पे धरना दिया था, कुछ लोगों ने भड़काने का काम किया, बताए यहाँ से CM आवाज चलते हैं, यहाँ से सच बताए भैया बहुत बुरी है और पुलिस लाइन यहाँ पड़ोस में ही रिजर्व पुलिस लाइन है, थोड़ा देर में नीली गाड़ियाँ आएंगी, पता नहीं चलेगा कितने कम लोग थे बात है। हो सकता है वो सीतापुर के रायबरेली रोड पे छोड़ दिया, करोगे सोचो, तो इसलिए भड़काव में नहीं आना है, बिल्कुल बस यहाँ बैठे रहोगे जब तक अपनी तरफ से कुछ नहीं बलवा करोगे, थोड़ा प्रोटेक्शन अपने आप, चीजें अपने आप ही बनानी हमको, कानून व्यवस्था जब अधिकारों का भाई आता है ना, जब संविधान लेकर आए हो तो कानून भी मानना पड़ेगा, तो अब नहीं मान पाए पर जितना मजबूरी में आए हैं तो मजबूरी भाई करेंगे, बस इतना नहीं, आप लोग आराम से बैठे रहिएगा, खूब नारे लगाइए पर कोई सरकार विरोधी नारा ना हो, क्योंकि जैसे ही सरकार का विरोध होगा तो फिर वही नीली गाड़ियों में भर लिए जाएंगे। आज का टारगेट है नीली गाड़ियों की संख्या ही हमको निर्भर करेगी कि हम कितने सही से प्रदर्शन या निवेदन करने आए हैं। भड़कोगे 5 मिनट में गाड़ियाँ आकर सीतापुर वाला कहाँ छोड़ा जाएगा, कानपुर वाला पता चला वहाँ पर बढ़ियाओं में छोड़ दिया गया, तो ये घूम रहे हो किधर जाए गूगल में लोकेशन में सही नहीं दे रहा, तो ये कहा बस निवेदन है, आराम से करें और काफी धरना बहुत या निवेदन बहुत स्मूथली चलेगा, मुख्यमंत्री महोदय से मिलना है, इतना निवेदन है बस। बाबा जी की गुच्छी नहीं मिलेगी जो सेक्टर के स्कूल में थी, अब जो देखे नहीं वो नहीं ना समझ पाएंगे, तो बाकी ठीक है, बस आप लोग जुटे रहिए, लड़ाई 130 करोड़ की संख्या में 69,000 पद चाहिए, ज्यादा बड़ी लड़ाई नहीं है, थोड़ा थोड़ा लड़ लेंगे, थोड़ा थोड़ा विश्वास करें सब कुछ आसान हो जाएगा। और हाँ एक जरूरी बात, देखिए एक जरूरी बात है भैया, जो लोग खड़े हो बैठे उधर जगह है, जो लोग रोड पर आ रहे हैं खड़े ना उधर बैठ जाओ, जगह है जाओ बैठ बैठ जाए जरूर, नहीं बैठेंगे तो सुविधा होगी, अरे बैठ जाओ जानते हैं आप लोग बड़े अच्छे से कि चुनाव के पहले
जब वही 2022 का चुनाव रहेगा तभी तक। अभी क्या है, हम लोग लेकर चले हर हाल में सितंबर में मामला निपटा रहे हैं, एक लक्ष्य बना सितंबर में मामला, केस का निस्तारण कभी सितंबर में संभव है जब महाधिवक्ता महोदय अगली डेट में पहुंचेंगे, अन्यथा सीधा डेट अक्टूबर की लगनी तय। तो जो लापरवाही अब तक बरती गई, अब तक हम लोग एक तरीके से शांत थे, इंतजार कर रहे थे कि सरकार हमारे साथ है, सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सरकार हमारे साथ है, लेकिन ये साथ ऐसा साथ हमें नहीं चाहिए था सरकार, ये ऐसा साथ की अपील डाल के बैठ जाए शांतिपूर्वक। धन्यवाद भाई तुम्हारा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लेट हो गया लेकिन अब Yeah!
मातरम 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 मातरम